गोरखपुर महोत्सव में मुख्य मंच से सांसद रवि किशन ने पहले दिन काव्य पाठ किया और उसके बाद सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अपने काव्य पाठ में भी सांसद ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की तरफ सबका ध्यान आकर्षित किया। सांसद रवि किशन ने गोरखपुर में बने एम्स से लेकर चीनी मिल और फर्टिलाइजर तक की चर्चा की और कहा कि रेल से लेकर हवाई यातायात तक की व्यवस्था गोरखपुर में पहले से कई गुना बेहतर हुई है। गोरखपुर का चिड़ियाघर अति विशिष्ट बन रहा है। रामगढ़ ताल, गोरखनाथ मंदिर और राप्ती नदी का घाट बदला स्वरूप गोरखपुर को प्रदेश ही नहीं देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में स्थान दिलाने लगा है। गोरखपुर पर्यटन उद्योग रोजगार और फिल्म प्रोडक्शन के हब के रूप में उभर रहा है। वर्तमान में कई हजार करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं। आने वाले समय में लोगों का नया गोरखपुर देखने को मिलेगा। प्रदेश में बन रहे विकास के नए कीर्तिमान के लिए सांसद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त किया। गोरखपुर की जनता से दिल से सलाम करती है, वो नाम है रवि किशन का। सर रवि किशन शुक्रिया, स्वागत बाटे। हम आगे देखवा था लागी ना लगत थी सब लोगों की गोरखपुर की महोत्सव में प्रणाम। इतना जाड़ा में बाहर 9 डिग्री में सब लोग रहेगा हाथ जोड़ के स्वागत बा। मुझे महाराज जी मेरे को सपना रहे कि क्षेत्रीय कलाकार के बढ़ावे के तो महाराज जी कई सपना पूरा होता। काहे कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी स्वदेशी के बढ़ावा दे तड़न। मुझे महाराज जी क्षेत्रीय कलाकारों को चूंकि आप लोगों ने मुझे सुपरस्टार बनाया, सांसद बनाया, मैं भी क्षेत्रीय कलाकारी के रूप में रामलीला से सुपरस्टार बना। भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़, मराठी, गुजराती, बिग बॉस, जिंदगी छंडवा, फिर भी तो जितने भी मंचासीन आगे बैठे हैं मैं आप लोगों को इस वक्त तो नहीं सब लोगों को देख पाया, कुछ लिखे हैं अगर अच्छा लगे तो ताली हो जाए। गोरक्षनाथ की धरा पवित्रता पवित्रता से परिपूर्ण नगरों की शान। गोरक्षनाथ की धरा पवित्रता से परिपूर्ण नगरों की शान है। मेरा गोरखपुर सबसे दिव्य सुंदर और महान है। रामगढ़ ताल की सुंदरता मधुरता जिसकी पहचान है। राप्ती और सरयू नदियों का मिला इसको वरदान है। गीता प्रेस की पावन गीता से मिलता जीवन का ज्ञान है। एम्स की चिकित्सा से यहाँ मिलता जहाँ जीवन दान है। मेरा गोरखपुर सबसे दिव्य और सुंदर महान है। गोरक्षनाथ की भूमि का अपना ही स्वाभिमान जिसकी पहचान कुछ भी जंगल से होता प्रकृति प्रेम का ज्ञान है। मेरा गोरखपुर सबसे देव सुंदर और महान। यहाँ प्रकृति का नित नया आयाम लिखा जाता है। एकता का पावन गीत हर शाम लिखा जाता है। चिड़ियाघर की अद्भुत छटा मन को भाती है। खिल उठता है मन जो कोयल मीठी धुन गाती है। हमें गर्व है इस मिट्टी पर, हमें अभिमान है, शान है। मेरा गोरखपुर सबसे सुंदर महान। अद्भुत अविश्वसनीय कल्पनीय जय हो गोरखपुर। बहुत ही आनंद का समय है बाबा गुरु गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर। आदरणीय महाराज जी का एक सपना पूर्वांचल को बढ़ाना। महाराज जी जब 25 साल सांसद रहे स्वयं बड़ा तकलीफ से उन्होंने वो समय बिताया क्योंकि सरकार कोई और थी।
महाराज जी का जो महाराज जी यंग है, जवान है, पढ़े लिखे हैं, गोरखनाथ बाबा की कृपा है। महाराज जी का सपना था कि गोरखपुर को ईस्टर्न शिकागो क्यों कहा जाता है। ईस्टर्न शिकागो मतलब यहाँ पर गोलियां चलती थी, माफिया था, व्यवसायी यहाँ से चले जाते थे, भाग जाते थे, कोई बिजनेस नहीं करता था, लोगों को यहाँ बसना नहीं था, बच्चे पढ़ने के लिए बाहर चले जाते थे। तो महाराज जी का ये सपना जब धीरे धीरे गोरखनाथ बाबा समझे, पढ़े और गोरखनाथ बाबा को लगा कि महाराज जी का ये सपना पूरा होना चाहिए, तो महाराज जी 2017 में बने मुख्यमंत्री आप लोगों के आशीर्वाद से। और तब से नया गोरखपुर, हमारा गोरखपुर, अपना गोरखपुर बढ़ने लगा। एम्स, फर्टिलाइजर, मेडिकल कॉलेजेस, सड़कें, रामगढ़, झील, ताल, सब कुछ उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल तरक्की करने लगा। महाराज जी का सपना यशस्वी प्रधानमंत्री जी के रास्ते पर महाराज जी चले लगे। 2014 में प्रधानमंत्री जी के रूप में हमको यशस्वी नरेंद्र मोदी जी मिले। और सच बोलूं आज इस मंच पर, ये बात मेरी याद रखिएगा, हम लोगों पे बहुत बड़ी कृपा हुई। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आना हमारी संस्कृति की रक्षा की शुरुआत, वो संस्कृति जिसको ध्वस्त कर दिया गया था, ध्वस्त करना चाहते थे मोदी जी अगर नहीं आते प्रधानमंत्री के रूप में, तो हम लोगों को खत्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। लेकिन प्रभु है, हम लोग का भरोसा प्रभु राम पर है, महादेव पर है, कृष्ण पर है, देवी देवताओं पर है, दुर्गा माई पर है। वो शक्तियां हम लोगों को बचा ली। प्रधानमंत्री जी बने, सपना शुरू हुआ, मेरे देश को पहचान मिली, मेरी संस्कृति को रक्षक एक मिला, मेरे संसार को एक रक्षक मिला। भारतीय जनता पार्टी का पदार्पण हुआ।
गए थे या कृषि की जैविक खेती में देखिए, हर प्रदर्शनी में यहाँ हमारे लोकल बच्चे, हमारे बच्चों ने सारी प्रदर्शनी में अपना क्रिएशन क्रिएट किया। एक इज्जत हुई है, भरोसा हुआ है, गरीब माताओं बहनों को भरोसा हुआ है, शौचालय मिला, सिलेंडर मिला, बिजली मिली, किसानों के खाते में पैसे आए, गरीबों को सहारा मिला, कोरोना काल में 80 करोड़ गरीबों को अनाज मिला और कई लाख करोड़ है गरीबों को पूछने वाला आखिरी पंक्ति में खड़े रहने वाले पर नजर मेरे प्रधानमंत्री जी की, नजर मेरे मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी की। तभी यह पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, भारतीय जनता पार्टी। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मैं आप लोगों का चुना हुआ एक सांसद हूं और अपने सारे ऐसे आराम को छोड़ मैं माँ भारती की सेवा में, आप लोगों की सेवा में गोरखपुर की गली गली घूम रहा हूं, सदन में आवाज उठा रहा हूं। आज आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे पार्लियामेंट ने उत्तर प्रदेश का नंबर वन सांसद घोषित किया है, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने के लिए आपके आशीर्वाद। मेरे मुख्यमंत्री नंबर वन, मेरा गोरखपुर नंबर वन और आपके आशीर्वाद से आपका सांसद अब नंबर वन। महाराजी ने गलती नहीं की, हीरो कहते अरे हीरो हीरो बारह जीत रही है, चल रही हीरो चल रही है, हीरो का जाने दो। लोगों को पता ही नहीं था कि मैं तो गरीबी की पराकाष्ठा देखा, मिट्टी के घर से मैं निकल कर यहाँ आया, विश्व घूमा, नाम कमाया, शोहरत कमाई, दौलत कमाई, फिर प्रभु की कृपा हुई, महाराज जी बोले सेवा नहीं करोगे, अमित शाह जी बोले सेवा नहीं करोगे, आज आपके सामने बड़ा अच्छा लगा। पढ़ने जा रहा था काव्य पाठ, भावनाओं में बह गया, जो कुछ लिखा था वो वही रह गया। बस यह कहा सर्वे ऋतु सर्वा ऋतु, जीवन ऋतु मृत्यु ऋतु, खाली बांसुरी रहने दो, तबले का खाली हल्का 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 और खाली बांसुरी चलना, लेकिन साउंड थोड़ा आवाज पर साउंड ना मेरे चल जाए। सर्वे ऋतु सर्वा ऋतु, जीवन ऋतु मृत्यु ऋतु, दाता तू विधाता तू, देता तू लेता तू, सत्य तू असत्य हम, भगवान तू मनुष्य हम, शिव तू सुंदर तू शक्ति तू, सब कुछ तू मैं कुछ नहीं, भगवान तू मैं कुछ नहीं, जीवन तू मैं कुछ नहीं, सांसें तू विश्वास भरोसा सब कुछ तू मैं जीवन तू मैं। सीधे बात का धन्यवाद दे हम कि हमारे डीएम महोदय ने मेहनत की इतनी ज्यादा, कमिश्नर महोदय ने, हमारे रविंद्र मिश्रा जी ने और पूरी टीम ने, राकेश श्रीवास्तव जी, म्यूजिशियन भाई, म्यूजिशियन टीम, सारे लोगों ने मेरे साथ जो पूरी टीम ने जो मेहनत की, मैं सबको दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मेरे बच्चे जो जो गोरखपुर के बच्चे आएंगे, जो कलाकार आएंगे, ताली बजा के उनका हौसला अफजाए आप लोग जरूर करेंगे। बस मैं यही कहूंगा अपना